मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं टोनी को जाते हुए देखूंगा। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे यहाँ पर कौन नई नई चीजें सिखाएगा? अब यहाँ पर अवेंजर्स के लीडर बनने की जिम्मेदारी भी मुझे ही ले रही होगी। मेरा टोनी चला गया मुझे छोड़ के। गाइस, टोनी स्टार्क की डेथ हो चुकी है आज। अभी तो कुछ पता नहीं चला है क्यों है। यहाँ तक अच्छे से लेके बुरे लोग सब सैड है, सब यहाँ पर परेशान है। अरे भैया, हमारा आयरन मैन हमें छोड़ के चला गया। और बात, चलो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे समय में भी हमें यहाँ पर बिजनेस के बारे में सोचनी चाहिए। इसलिए मुझे पता था एक ना दिन ऐसा आएगा कि कोई ना कोई अवेंजर हमें छोड़ कर जाएगा। इसलिए मैंने सभी अवेंजर्स के रिगार्डिंग एक वेबसाइट बना रखी है। अब जबकि टोनी जा चुका है, तो मैंने एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करी थी जिसके इस्तेमाल से एक नया आयरन मैन बना जाए। नया आयरन मैन बनाया जाए? वो भी कोई नॉर्मल आयरन मैन नहीं, कोई घिसड़ू पिछड़ू आयरन मैन नहीं, एलिमेंटल आयरन मैन। मैं कुछ समझा नहीं, समझाता हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पर जो भी अमीर लोग हैं वही आयरन मैन बन पाएंगे, फिसद्दी लोग नहीं बन पाएंगे। ये है एक एलिमेंटल आयरन मैन एज सूट शॉप। अरे वाही, और मैं बनूंगा आयरन मैन का लीडर, मैं बनूंगा। अरे नहीं, मैं बनूंगा, मैं खरीदूंगा 100 मिलियन वाला। ओ भाई साहब, ये रेड हल्क, ओ माय गॉड, रेड हल्क की एज देखिए गाइस। ये रेड वाला आयरन मैन जायंट 90,000 एज का, और ये छोटा वाला सन गॉड एलिमेंटल, ये कौन है? अरे ग्रीन वाला तो मैं हूँ ही। ओए, और गोल्डन वाला मैं हूँ, सन गॉड एलिमेंटल सूट है मेरे पास। बाप रे, ये क्या कर दिया मिक्सेट यार, इन लोगों के हाथ में ये इतने खतरनाक सूट दिए। ओए रेडक, मेरे भाई आयरन मैन के सूट को मेरे वाले कर, तेरा कोई हक नहीं है उसका सूट पहनने का। अरे बकवास बंद कर, अपनी मेहनत के पैसे से सूट खरीदा है। मेहनत का पैसा? चोरी का पैसा है। अरे चोरी करने में कितनी मेहनत लगती है पता है? वैसे भी अब दुनिया का सबसे ज्यादा एज वाला सूट मेरे पास है। तू चिंता मत कर, इससे भी ज्यादा एज वाला सूट मैं खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, वो कभी नहीं होंगे। ले गाइस, कोई प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, मेरा भाई टोनी स्टार्क, उसकी आत्मा को इस तरह से कभी शांति नहीं मिलेगी जब वो देखेगा कि यहाँ पर नया आयरन मैन जो कितना ईविल बन चुका है। बकवास बंद करो, जब मिक्सर तू भी निकल यहाँ से। अरे बच्चे, मुझे क्यों मारता है? मैंने वेबसाइट दे दी, मुझे पैसा मिल गया, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है। ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है? स्पाइडरमैन चल, सबसे हफ्ता वसूल कर, तूने लोगों की कितनी मदद की है, इन्होंने कभी तेरे को पैसा नहीं दिया, जा सबसे छीन। अच्छा ठीक है। ओए गाइस, मुझे पैसा दे दीजिए वरना मुझे आपको पीटना होगा। अरे नहीं, स्पाइडरमैन तो ऐसे कैसे कर सकता है? अरे स्पाइडरमैन, ये क्या कर रहा है, तू हमें क्यों मार रहा है? ओह माय गॉड, ये तो अपने साथ साथ सारे एवेंजर्स को स्पॉइल कर रहा है। बहुत हो गया दोस्तों, बेशक मेरे पास $1 है, बट मैं भी डॉक्टर मिक्सेट की उस आयरन मैन वाली साइट पर जाता हूँ, मैं भी कोई एलिमेंटल सूट खरीदता हूँ। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट में जल्दी से आयरन मैन ओपी लिख दीजिए, मेरा भाई आयरन मैन मुझे जरूर सपोर्ट करना चाहेगा, चाहे वो ऊपर वाले के पास ही क्यों ना हो। ऑलराइट दोस्तों, देखिए साइट तो है जिसमें लिख रहा है एलिमेंटल आयरन मैन एज सूट शॉप। ओके, $1 में मुझे नहीं पता कितनी एज का सूट मिलेगा, बट खरीद के देखते हैं फिर पता चलेगा। लेट्स गो, मैं यहाँ पर पूरे 99 एज का हो चुका हूँ और मुझे लावा एलिमेंटल आयरन मैन का सूट मिल गया है। गाइस सबसे पहले रेडल को लड़ने से, उससे पीटने से पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा क्या मैं यहाँ पे इवन उड़ भी सकता हूँ, क्योंकि $1 में मुझे नहीं लगता मेरे पास आयरन मैन की पावर्स होंगी। सूट तो आयरन मैन का है बट पावर है क्या? चलो उड़ के। अरे 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 अरे, ओ भाई साहब, इस समुद्र में शार्क है, मेरे को जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा भाई साहब। नहीं गाइस, मेरी एज तो यहाँ पर 99 हो गई है, इवन मेरे पास लावा एलिमेंटल का आयरन मैन का सूट भी आ गया है, बट $1 में यहाँ पर मैं इतना अच्छा सूट नहीं ले सकता जिससे कि मैं उड़ पाऊँ। चलिए गाइस, एक काम करते हैं, जल्दी से चेक करते हैं न्यूज़ पर क्या चल रहा है। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? जब से असली आयरन मैन मरा है, नकली आयरन मैन हमला कर रहे हैं। उस ब्लैक फ्रैंकलिन जो कि ग्रीन एलिमेंटल आयरन मैन है, उसने हमारे शहर के पावर हाउस पे अटैक कर दिया और वो सब बर्बाद कर देगा। नहीं गाइस, अगर उसने पावर हाउस पे अटैक किया है तो मतलब पूरे शहर की बिजली चली जाएगी, लोगों के काम, इवन यार लोग गर्मी में मर जाएंगे भाई, मुझे जल्दी चलना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ये क्या, ये तो ग्रीन पॉइजन गॉड है। ग्रीन पॉइजन गॉड यहाँ पर क्या कर रहा है? पक्का यहाँ पर ये ना उस ब्लैक फ्रैंकलिन का ही काम होगा। अरे मजा आ रहा है बॉस, जब चाहो हम यहाँ पर इस पूरे पावर हाउस को रोक सकते हैं। अरे इतनी आसानी से नहीं है, मैंने सरकार से पूरे 100 करोड़ रुपए की मांग की है, अगर वो मुझे 100 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो मैं पूरे लॉस सेंटोस के पावर हाउस को उड़ा दूंगा, फिर उसके बाद हम पूरे देश की बिजली खा जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन के साथ हूँ भाई साहब। नहीं 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 गाइस, ये हमारी सरकार से 100 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, इनको मैं 1 रुपया लेने दूंगा। आइडिया, क्यों ना गाइस मैं यहाँ पर खुद को इनविजिबल आयरन मैन बना लूं। वैसे मैं लावा एलिमेंट आयरन मैन हूं, तो आई थिंक मेरे पास ही पावर होनी चाहिए कि मैं खुद को यहाँ पर इनविजिबल कर लूं। लेट्स गो। क्या गाइस मैं आपको दिख रहा हूं? अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो यस लिखिए, नहीं दिख रहा हूं तो नो लिखिए। गाइस मुझे तो बस फायर फायर सी लग रही है मेरी बॉडी के अराउंड। अरे इतनी गर्मी, अरे मार दिया, अरे क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, तो जिसको मैं टच कर रहा हूँ उसमें आग लग रही है, आई थिंक मुझे इन लोगों को टच करके भागना चाहिए। ए निकलो यहाँ से, वरना मैं तुमसे की बैंड बजा दूंगा। अबे वो क्या चल रहा है उधर? अबे तुम सब के सब सो क्यों रहे हो?
अबे काम पे लगो, यहाँ पर हमें पूरा पावर हाउस उड़ाना है। ये क्या, ये आग कहाँ से लग रही है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी से अपना विजन ऑन करता हूँ। तू कौन है? ओ भाई साहब, ये मुझे देख सकता है क्या? ये ले तेरी तो। अब तू मरेगा। है कौन तू पहले ये बता। अरे बाप रे गाइस, ये तो गड़बड़ हो गई। जल्दी अपना नाम बता, वरना तेरे को पॉइजन से दबा के मार दूंगा। नहीं, मैं फ्रैंकलिन हूँ, प्लीज ब्लैक फ्रैंकलिन, छोड़ दे मेरे को। अच्छा, तो तू यहाँ पर मेरा मिशन फेल करने आया। ले, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। अरे बाप रे गाइस, इस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ माय गॉड, कितना बुरा मारा है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। गाइस, मेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था। मुझे यहाँ पर पहले कोई बड़ा एज वाला सूट चाहिए, तभी मैं यहाँ पर हरा सकता हूँ क्या? एक मिनट भाई साहब। अरे भैया, मजा आ गया। और मैंने तो यहाँ पर सरकार की नाक के नीचे से इतना पैसा चुरा लिया, जब से ये नए आयरन मैन आए, और तब से तो मजे ही मजे आ रहे हैं, क्योंकि ये सब खुद भी चोरी कर रहे हैं और हमारी चोरों के भी मजे करवा रहे हैं। अच्छा, चोरी करेगा बच्चे? ले आई आई यार, पीछे आग लग गई, मम्मी बचा है। आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, छोड़ दे हमको। गाइस, लिटरली में पहले छोटे मोटे चोर थे, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऑफिसर, ये लीजिए, मैंने आपका सारा सोना बचा लिया। अरे वाह बच्चे, तूने कमाल कर दिया, तू है कौन? आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई बुरा एमएन नहीं हूं, मैं अपने भाई टोनी जैसा एमएन हूं, मैं यहां पर उसका नाम खराब नहीं होने दूंगा। अरे बिल्कुल सही कहा सर जी, हम आपको इसलिए पैसा देंगे। अरे हां बिल्कुल, हम पैसा देना चाहते हैं। अरे हां प्लीज, यहां पर जल्दी जाइए और बुरे आयरन मैन की बैंड बजाइए। बिल्कुल सही कहा गाइस, यहां पर मेरे को अभी $20 million मिल चुके हैं सरकार की तरफ से। चलिए गाइस, यहां पर देखते हैं 20 में है गाइस एक सूट अवेलेबल है। सेकंड वाला टॉप पे देखिए, राइट में। अब ओ भाई साहब, ये तो आइस एलिमेंटल आयरन मैन एज सूट शॉप है, मतलब सूट है। ओ माय गॉड, मेरी एज देखिए, मैं 2000 इयर्स का हो चुका हूं। मतलब गाइस, अभी हमारे पास 2000 साल का एक्सपीरियंस है और नई पावर्स भी है। गाइस क्या बात है भाई, क्या स्पीड में उड़ पा रहा हूं मैं। अभी बताता हूं इस ग्रीन पॉइजन गॉड को, हे तू है कौन? मैं हूं आइस एलिमेंटल आयरन मैन। अरे बाप रे, हमला हो गया हम पे। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ मेरे को। ओ भाई साहब, मैं सबको यहां पर अपने आइस ब्रीदिंग अटैक से सबको बर्फ में जमा सकता हूँ, उसके बाद पिघला के खत्म भी कर सकता हूँ। लेट्स गो भाई, अब ये लोग मेरे से नहीं बचेंगे। ये लो, तुम लोग हमारे पावर हाउस को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, अब बताता हूँ। अबे भाई, और तू है कौन? फिर से मेरे को पूछ रहा है। मैं फ्रैंकलिन हूँ बेवकूफ, अब तो शान से बचाऊंगा। नहीं, छोड़ दे मुझे मम्मी। अबे तुझे रेलो छोड़ेगा नहीं। बकवास बंद कर, ये क्या कर दिया? अरे मार दिया मुझे। लेट्स गो भाई, मुझे लिटरली में यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना छोटा होते हुए भी पूरे के पूरे ग्रीन पॉइजन गॉड को हरा दिया। अब यहाँ पर जितने भी बॉम्ब्स थे जो यहाँ पर ये थ्रेटन कर रहे थे पूरे शहर की बिजली उखाने के लिए, वो सब हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। एक मिनट, ये किसका कॉल आ रहा है? अरे बेटा, मैं वही पुलिस वाला बोल रहा हूँ। अरे हाँ, क्या हुआ? अरे तूने यहाँ पर फिर से हमारी मदद की, शहर की बिजली को बताया और यहाँ पर ग्रीन पॉइजन गॉड की बैंड बजाई, हम इसलिए तेरे को और पैसा देना चाहते हैं। ऑलराइट, मुझे 10 million और मिल गए, बट आई डोंट थिंक 10 million में कुछ मिलेगा। गाइस यार, नेक्स्ट सूट के लिए मुझे अभी 56 million और चाहिए। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं अवेंजर्स के स्टार्क मेंशन जाता हूं, क्या पता उधर मेरे को गोल्ड मिल जाए, क्योंकि यहां पर अवेंजर्स तो बहुत बड़े खतरे में पड़े हैं। इसलिए मुझे अवेंजर्स की और इस पूरी दुनिया की अगर मदद करनी है तो भाई सबसे पहले स्टार्क मेंशन चलना पड़ेगा। वैसे वहां पे वो रेड हल्क राज जमा रहा होगा अपना, लिटरली में भाई वो लीडर बन गया है ना, मेरा भाई टोनी भी तो नहीं है लिटरली में। कोई नहीं दोस्तों, हैं ये क्या भाई, स्टॉक मेंशन की तो एकदम सफाई हुई पड़ी है। सारे के सारे अवेंजर्स जितने भी लोग थे वो कहाँ हैं? हेलो अवेंजर्स, रेड हल्क के बच्चे कहाँ पर गया तू नकली आयरन मैन? गाइस को समझ नहीं आ रहा, मुझे न्यूज चेक करनी चाहिए। अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है, जितने भी पुराने अवेंजर्स हैं उनको नए अवेंजर्स से रिप्लेस किया जा रहा है। माना गया है वो रेड हल्क जो नया आयरन मैन है वो उनको किसी टापू पे लेकर गया है, बहुत जल्दी उनको मरवा देगा। इतना ही नहीं, स्टॉक मेंशन खाली पड़ा है, वहां पे कुछ चोर आ रहे हैं कुछ सामान चुराने। नहीं 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 गाइस, मुझे स्टॉक मेंशन को प्रोटेक्ट करना होगा, इस तरफ कुछ चोर आ रहे हैं ऐसा न्यूज वाले बोल रहे हैं। ओ भाई साहब, इधर तो बहुत हैवी वेपन है, जैसे थैनोस का गॉन्टलेट हो गया, आयरन मैन का, और ये स्टॉर्म ब्रेकर, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, हैट। भाई साहब, कौन मारा मेरे को? भाई साहब नहीं, बचाओ। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो गया? मैं तो यहाँ पर रक्षा कर रहा था उन वेपन्स की और एक साथ से ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर मैंने खुद को जाल में पाया। ओ भाई साहब, ये क्या? मजा आ गया, ये तो रेड रिवेंजर है गाइस, और इसके हाथ में हाँ थोर का तोड़ा आ रहा है। भैया मजा ही आ गया। नहीं, इन्होंने अवेंजर्स के वेपन्स चुरा लिए भाई साहब, और गोल्ड भी चुरा लिया है। ए, चलो चलो, सारा सोना ट्रक में लोड करो और इस फ्रैंकलिन की मैं बैंड बजाऊंगा। रेड रिवेंजर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं यहाँ पर सन एलिमेंटल आयरन मैन हूँ, तू आइस है, मेरे सामने तो कुछ नहीं है, और ले थोर की बिजली से मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। भाई साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर थोर का हथौड़ा और स्टॉर्म ब्रेकर ये उठा भी
कैसे पा रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पर वर्दी हूँ, तू अनवर्दी है। नहीं, तो जैसे लोग कभी वर्दी नहीं हो सकते, तूने कोई चीटिंग किया है। अरे पॉपरे गाइस, आप लोग प्लीज बताइए इसको, असली आयरन मैन मेरा भाई टोनी है फिर मैं हो सकता है? आप लोग प्लीज हमारे टोनी की याद में आयरन मैन OP0 लिखना। कोई टोनी को प्यार नहीं करता। नहीं, मैं प्यार करता हूँ अपने भाई से, हमारी पूरी ऑडियंस प्यार करती है, आप करते हैं ना? तो गाइस प्लीज यस लिखिए। मजा आ गया गाइस, जब से टोनी गया सब बर्बाद हो चुका है, मैं टोनी की ये लेगेसी खराब नहीं होने दूंगा। गाइस आइडिया, ये सारे गोल्ड को मैं अपने अकाउंट में ऐड कर लेता हूँ ना, वाह ये तो 56 मिलियन और है, अभी टोटल 66 मिलियन हो गए, और हमारा जो सेकेंड लास्ट सूट है वो 66 मिलियन का ही है। भाई साहब ये कौन सा सूट है यार, मैंने कभी देखा नहीं, आई थिंक कुछ नया बनाया मिक्सर ने। भाई साहब पहले मेरी एज देखिए भाई, 50,000 साल सीधा, और यहाँ पर मैं तो यूनिवर्सल एलिमेंटल आयरन मैन का सूट पहन लिया हूँ भाई। मेरे पास तो यूनिवर्स की ऑर्गेनिक सुपर पावर्स हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, मतलब हमारे अर्थ की ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके इन सभी नकली आयरन मैन और नकली सुपर विलन्स की बैंड बजा रहा हूँ। अब ये क्या, हम नकली नहीं, हम असली सुपर विलन्स हैं। ये लो पारा भैया, हमें छोड़ दे, हमसे गलती हो गई। अब बहुत है भाई, मेरे पास अलग अलग लेवल की पावर। ये देखिए गाइस, मैं यहाँ पर पोर्टल खोल के कोई भी पत्थर को टेलीपोर्ट करके इन सबकी बैंड बजा सकता हूँ। बहुत हो गया दोस्तों, मैंने न्यूज पे ये भी सुना था कि नए वाले एवेंजर्स आ रहे हैं, पुराने रिप्लेस हो रहे हैं, मुझे एवेंजर्स को बचाना पड़ेगा। वो रेडल का बच्चा जो कि नया लीडर है एवेंजर्स का, नया आयरन मैन है, मुझे उसको यहाँ पर उसकी औकात समझानी पड़ेगी। और बाप रे मजा ही आ जाएगा, ये टापू पे दुनिया की सबसे बेस्ट और खतरनाक शार्क्स मिलती हैं। अरे एक सेकंड में कटक जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। उठी की कसम, हमारा हथौड़ा, ओए मेरा मकड़े के जाले, हल्का बर्गर, मेरा अंतर्यामी वाला जादू, सब छीन गया मुझसे। अब टोनी नीरा तो हम भी जी के क्या करेंगे, मार दे हमको। मैं हूं ना गाइस, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। अरे बाप रे, हमारा टोनी मतलब हमारा आयरन मैन आ गया। मैं टोनी तो नहीं हूं, बट हां मैं यहां पर अपने भाई टोनी की लेगेसी को कंटिन्यू रखूंगा। बकवास बंद कर, ये सब मोटिवेशनल कोट किसी और को देना, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ले उठी कसम, मुझे क्यों मार रहा है ले। अरे बाप रे गाइस, इसने क्या हालत कर दी मेरी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा फ्रैंकलिन, तू कभी भी यहां पर आयरन मैन नहीं बन सकता। एक मिनट, ये क्या, पक्का गाइस ये रेडल की यहां पर सोने को लेकर आया है। अरे गाइस एक काम करते हैं, इससे पहले कि रेडल के सोने को ले ले, क्यों ना इस सारे गोल्ड को मैं अपने अकाउंट में ऐड कर लूं। यार कितना गोल्ड होगा, मुझे तो लग रहा है अप्रोक्स 100 से 150 मिलियन डॉलर के आसपास तो होगा ही। चलो चेक करते हैं। ओ भाई साहब, 125 मिलियन डॉलर का गोल्ड है ये। और गाइस यहां पर जो सूट है मैन का वो भी इतने का ही है। कहां गया फ्रैंकलिन? ओ माय गॉड, ये तो ऑल फादर एलिमेंटल आयरन मैन का सूट है भाई। डॉक्टर मिक्सर ने क्या खतरनाक सूट बनाया। ओ माय गॉड, मेरी एज देखिए, रेडल की जो एज है उसके आयरन मैन के सूट की वो 90,000 है, मेरी 1 लाख है। फ्रैंकलिन मां तुझे, अरे ये कौन है, अरे कौन है तू भाई साहब, इसके आगे मैं कितना बड़ा, अभी बताता हूँ बेटा मैं रेडल, अब तेरे को सीज बनाऊंगा। ले मैं यहाँ पर अपने टोनी की इज्जत को हमेशा बरकरार रखूंगा, उसके नाम को हमेशा जीवित रखूंगा, इसलिए मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन मैन बनूंगा। और मार दिया, मुझे माफ कर दिया फ्रैंकलिन, गलती हो गई। अरे भाई फ्रैंकलिन है, हल्क हल्क बहुत खुश है, हमारा नया लीडर, हमारा नया आयरन मैन हमें मिल गया। उड़ी कसम, बिल्कुल सही कहा। गाइस अगर आप सभी को टोनी याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट में आई मिस योर टोनी स्टार्क जरूर लिखना, और हाँ स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।